24 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लॉ कमीशन ने कानून बनाने के लिए धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी है। कमीशन ने कहा है कि जो लोग अपनी राय रखना चाहते हैं वो 30 दिन के अंदर अपने अपने विचार भेज सकते हैं। धार्मिक संगठनों और लोगों की राय मिलने के बाद इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का विरोध किया है। इनका कहना यह है कि भारतीय संविधान सभी को आजादी देता है, लेकिन इसके लागू होने से धार्मिक आजादी छिन जाएगी। सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़कर बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लाना चाहती है और विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ वैभव त्रिभाटी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त और भी कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका भी हम तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सपा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एतराज जाहिर किया है। सपा का कहना यह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान कासमी ने कहा है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़कर बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। भारत का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है और कॉमन सिविल कोड वो सबके धार्मिक अधिकारों को छीनने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में 2 बार नोटबंदी हुई, 1 बार जीएसटी का कानून लाया, विभिन्न कानून आए, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे उस समय कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और विधि आयोग ने पहले ही कॉमन सिविल कोड पे अपनी आपत्ति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉमन सिविल कोड पे केवल राजनीति करना। सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क का मसला नहीं है और ना मुल्क की जरूरत है। हमारे मुल्क की जो बुनियादी जरूरतें हैं, सरकारों को उन तमाम जरूरियात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हों, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हों, मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हों, ऐसी जगह पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाएगी तो मुझे लगता है बेमौका और बेमहल गुफ्तगू होगी। और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का हम रुख करते हैं। हमारे साथ सपा से सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भुवन भास्कर जोशी से ही हम करते हैं। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता के भले के लिए नहीं है, क्योंकि लगातार बीजेपी तो कह रही है सबको समान अधिकार मिल जाएगा एक साथ, तो दिक्कत कहां पर है? देखिए, जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो ये हमको लगता है ये उसका हनन है, क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और जो भारत के संविधान में जो हमारा स्वरूप है जी, वो विविधता का स्वरूप है। और हमें लगता है कि विविधता पर, भारत की जो विविधता है उस पर हमला है। इसीलिए सभी पर कानून थोपना संविधान की के भावना के साथ खिलवाड़ है। और निजी कानून धार्मिक आस्था पर आधारित होते हैं, इसलिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। सरिया कानून 1400 साल पुराना है, क्योंकि यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। और जो 73 साल पहले जो धार्मिक आजादी मुस्लिम समाज को मिली थी उसको सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। और 3 साल पूर्व भी विधि आयोग ने लोगों से राय मांगी थी और आज ये पुनः सरकार ला रही है। हमें सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं दिखाई देती। इसके बहाने वो जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति करना चाहती है उसको समाजवादी पार्टी बेनकाब। ठीक है प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, इसके पीछे आप लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो छीन लेगी? यूसीसी कानून अगर आता है तो फिर ऐसे में जो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन हो जाएगा। आपकी मंशा इसके पीछे की क्या है, जरा वो क्लियर कीजिएगा। चलिए, प्रशांत जी का शायद संपर्क इस वक्त हमसे टूट चुका है, वापस हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी साहब बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वैभव जी, जो तस्वीर सपा को नजर आ रही है, क्योंकि सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं जोशी साहब, वो ये कह रहे हैं कि मंशा क्लियर नहीं है और धार्मिक हनन भी होगा, जो धार्मिक आजादी है लोगों की उसका हनन होगा यूसीसी अगर आता है, क्या यही स्थिति आपको भी लग रही है? देखिए ना, यूसीसी लागू होने वाला है ना ही यूसीसी पे ये लोग ईमानदार है। मामला क्या है कि प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, ये गरीब
जवान किसान हर मामले पे विफल है। जब ये विफल हैं तो ये करें क्या, तो इनको मुद्दा एक मिलता है हिंदू मुस्लिम। आप देश की सभी पार्टियों से विकास और डेवलपमेंट की चर्चा कर सकती हैं, लेकिन भाजपा से विकास की चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तुरंत हिंदू मुस्लिम पे जाएंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं, नीति उनकी कुछ है नहीं, नीयत में खोट है। अन्यथा अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि सभी के लिए एक कानून, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं से कि कौन सी ऐसी धारा है जो कि हिंदू मुस्लिम को अलग करती है। आप ये बताइए कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, सबके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी एक समान लागू होता है। लेकिन अब बीजेपी के लोगों से एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, पास्को एक्ट, महिला उत्पीड़न, अगर किसी भी सामान्य नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो वो 24 घंटे में अरेस्ट हो जाता है। और क्या इम्यूनिटी है आपके एक आपराधिक छवि के सांसद ब्रजभूषण की कि उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया एक महीने, और सरकार दबाव बना के उस मुकदमे को खत्म कराना चाहती है। तो पहले तो आप एक ऐसा कानून ले आइए जिसके जिससे भाजपा के जितने बलात्कारी अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद विधायक हैं, उनको कैसे सजा मिले। देश की मांग ये है, देश की मांग है महंगाई से राहत, देश की मांग है बेरोजगारी दूर करने की, देश की मांग है सद्भाव बढ़े। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, देश में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, तीन तलाक की बात करेगी, लेकिन जो हमारे देश की गौरव महिला पहलवान है जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं आपको बता दूं, अभी ताजा मामला है, दिल्ली में एक नाबालिग के साथ ऑटो में रेप किया गया। मैं तो इन भाजपाइयों और संघियों से पूछना चाहता हूं कि जो निर्भया के मामले में सड़कों पर खड़े थे, जो एक फर्जी मामला बना के अखलाक को मार देते हैं, जो लव जिहाद की मांग को लेके चिल्लाने लगते हैं, वो उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं। समस्या ये है कि ये देश के मुद्दों को भटकाने की एक सोची समझी साजिश है, और देश की जनता नहीं, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, किसी का साथ नहीं। इनके पास मात्र 37% लोगों का वोट शेयर है, 63% लोग इनके खिलाफ वोट करते हैं, किसी का साथ नहीं है। और ये विकास किसका करते हैं, अडानी का करते हैं, भाजपा नेताओं का विकास होता है तो नहीं, फिर रोकेगा कौन सर, विपक्ष तो उस बुलंद तरीके से आवाज उठा नहीं पाता कांग्रेस को लेकर। तो बीजेपी लगातार कहती है कि कांग्रेस तो सड़कों पर ही नहीं दिखती है, विपक्ष बचा ही नहीं है। कि अरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्ष का एक नेता सड़कों पे दिखा और भाजपा की नींद हराम हो गई। ठीक है, तो विपक्ष सड़कों पे है, अपने जनता के मुद्दों पे है और सुचितापूर्ण राजनीति के मुद्दे पे सड़कों पे खड़ा है। भाजपा की हिम्मत नहीं है कि वो रोजगार की बात कर ले। रोजगार कितना मिला, ये जो वेबसाइट पे अपडेट होती थी सूचना, उस वेबसाइट को बंद कर दिया। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती, ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूं। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ है, भुवन भास्कर जोशी, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। भुवन जी, जिस तरीके से तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर कि जनता का विकास नहीं हो रहा है या फिर जनता के हित में चीजें नहीं हो रही है, बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि हम लगातार दलितों के लिए भी काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए भी काम कर रहे हैं, अब यूसीसी लाकर हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि सब एक साथ आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आए। लेकिन विपक्ष को चूंकि कोई मुद्दे नहीं मिलते, इसलिए विपक्ष जो है जब भी ऐसी कोई चीज होती है उन पर हावी होने की कोशिश करती है, उन मुद्दों को निकालती है। देखिए, जो सरकार है उसका जो फेलियर है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तीन जो विशेष जो पूरे देश को संभालते हैं, किसान, जवान और नौजवान, ये तीन की हालत क्या कर दी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। किसान सड़कों पे रहा, अभी आपने देखा हरियाणा में उसको लठपड़ रहा है किसान को, नौजवानों की 2 करोड़ की नौकरी की बात फर्जी निकली, और आप क्या देख पा रही हैं, नौजवान जो है वहां दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, वो भी तो नौजवान है। और जवान की बात है जो देश के लिए अपनी जान दे देता है, हम और तुम महफूज इसलिए है कि वो सड़क पर रहता है, उसको अग्निवीर जैसी योजना लाकर सड़क पर लाने का काम इस सरकार ने करा।